एक बार फिर से स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने बेसिक सेंटेंस पैटर्न की बात की थी और इस वीडियो में उसी को आगे बढ़ाते हुए उससे संबंधित कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर हम लेंगे। और उन टॉपिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेंटेंस पैटर्न आखिर होता क्या है। तो सेंटेंस पैटर्न की अगर बात करें तो सेंटेंस पैटर्न अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। दिस अरेंजमेंट नीड्स टू बी इन अ ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर। कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस पैटर्न का मतलब होता है कि ये एक तरह का अरेंजमेंट है, ये एक तरह की व्यवस्था है, वाक्य की एक व्यवस्था है, सिस्टम है, जिसमें हमें वर्ड्स को अरेंज किया जाता है। वाक्य संरचना अपने आप में शब्दों का एक अरेंजमेंट है, क्रम है, और ये क्रम, ये जो ऑर्डर है, ये जो अरेंजमेंट है, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। इट मीन्स इसका मतलब है प्लेसमेंट ऑफ वर्ब्स एंड नाउंस। ये जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर आपको दिख रही हैं, मैं इनको यहां पर आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। प्लेसमेंट ऑफ वर्ब्स एंड नाउंस, वर्ब और नाउन का जो प्लेसमेंट है शुड बी करेक्ट टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये बहुत जरूरी है कि उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उन दोनों का जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सही रहे और उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। देन अपने सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस में पांच पैटर्न हमारे दिए हुए हैं, फाइव पैटर्न्स बेसिकली। लेकिन जब मैं आगे स्लाइड्स को बढ़ाऊंगा तो मैं सिक्स पैटर्न की बात करूंगा। उसमें मैंने सिंगल सब्जेक्ट वर्ब भी लिया है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखे तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब वाले पैटर्न से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देयर आर फाइव सेंटेंसेस, सेंटेंस पैटर्न्स, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब डबल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट एंड देन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये टर्म्स क्या क्या हैं? एस यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज। किसी भी दिए गए वाक्य या क्लॉज का वह भाग दैट कॉमनली इंडिकेट्स, नंबर वन, व्हाट इट इज अबाउट, वो किस बारे में है, और नंबर टू, हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन, यानी उसको कौन कर रहा है, करने वाला कौन है, कर्ता। अगर इसको हिंदी में हम कहें तो एस इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट यानी कर्ता। ये बनता किससे है, ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। ये किससे बनता है? द सब्जेक्ट इज टिपिकली ए नाउन, जैसे कि द डॉग, ए नाउन फ्रेज जैसे कि माई सिस्टर्स रूम, या फिर एक प्रोनाउन जैसा कि इट। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में हम आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, हु या फिर हु एवर का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप इसमें देखें, वापस इसको हाईलाइटेड पोर्शन को आप देखिएगा, द सब्जेक्ट इज टिपिकली अ नाउन, दैट इज ब्रैकेट में जो दिया हुआ एग्जाम्पल द डॉग, मैं इसको सेंटेंस में यूज करूंगा तो द डॉग रैन अवे। ए नाउन फ्रेज जैसे कि माई सिस्टर्स रूम, माई सिस्टर्स रूम इज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, मेरी बहन का कमरा बहुत सुंदर सजाया हुआ है। और या फिर प्रोनाउन अगर मैं कहूं तो इट इट इज ब्यूटिफुल, ये बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस में आर, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, हु या फिर हु एवर का प्रयोग करते हैं। अगर कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, यानी जिसमें सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है, तो इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यूजुअली अपियर्स बिफोर द ब्रेव, बिफोर द वर्ब, लाइक द डॉग बार्क्स। इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य है, अगर कोई इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्ब में आता है, जैसा
डज द डॉग एवर बार्क, हमने पहले हेल्पिंग वर्ब लिया, उसके बाद डॉग लिया और बाद में वर्ब लास्ट में लिया। अगर इंपरेटिव सब्जेक्ट है, इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है, तो सब्जेक्ट जो है उसमें हम यू को ये मानते हैं कि अंडरस्टूड है, वो सब्जेक्ट यू जो है वो अंडरस्टूड माना जाता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं आपके पास खड़ा हूं और मैंने आपसे कहा कम, तो मुझे आपका नाम लेने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको यू कम बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे कि वो बात सिर्फ आपके लिए है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सीधा सीधा वर्ब के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज वी इक्वल्स टू वर्ब। वर्ब क्या होता है? ए काइंड ऑफ वर्ड जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे याद रखना है, मैं उसके पीछे आपको एक कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी में आपको बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, तो आप उनको समझेंगे, उनको आप ये समझेंगे कि वो किस तरह से यूज हो रहे हैं। अ वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और अ स्टेट। किसी कार्य को या किसी अवस्था को बताने वाला शब्द वर्ब कहलाता है। इट इज द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का मुख्य भाग, एक सेंटेंस का इंजन अगर मैं कहूं तो वो है वर्ब, और कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनता, ये हम ऊपर देख चुके हैं। जैसा कि ऊपर वाले में मैंने हाईलाइट किया स्टॉप, यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये एक सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब दी गई है। तो इसी प्रकार मैं यहां कहना चाहता हूं एवरी सेंटेंस हैज अ वर्ब। अब वर्ब में दो प्रकार की वर्ब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली वो जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ये देखिए, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट फॉर देम टू मेक सेंस। ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ट्रांजिटिव वर्ब में भी दो प्रकार की वर्ब हैं। पहली है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जबकि दूसरा जो है वो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल आप देख सकते हैं, बॉब बॉट अ कार। बॉब बॉट अ कार, यहां कार जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो जीवित वस्तु नहीं है। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में डालते हैं। और नीचे जो पैटर्न दिया गया है वो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब का, बॉब गेव मी द कीज टू हिज न्यू कार। इसमें गेव मी, बॉब ने मुझे क्या दी, चाबी दी, तो मी यहां पर आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि मैं जीवित वस्तु हूं, जीवित व्यक्ति हूं, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर कीज है यानी चाबियां। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे लिया गया है। दिस इज द वे कि हम इसको समझें और इस पैटर्न को जानें कि क्यों इसको हम इस तरीके से समझते हैं। मेरा हाईलाइट देखिए सिर्फ यहां पर है, मोनो ट्रांजिटिव मतलब एक ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, डाई ट्रांजिटिव का मतलब दो ऑब्जेक्ट वाली वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर मीनिंग। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, अपने अर्थ को संपूर्ण करने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार आप इनको देखें तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे हम बढ़े उससे पहले ये ध्यान रखिएगा, जो भी SVO वगैरह पैटर्न है मैं उनको यहां पर आपको खुल के बता रहा हूं कि उन पैटर्न्स को हम किस तरह से यहां पर यूज करेंगे, और उनको यूज करने के लिए हमें समझना होगा कि उन्हें किस प्रकार से हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर वही चीज हमने की है, यहां पर मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ये अपने आप में जैसा सेंटेंस अगर आता है तो आपको अगर सिंगल ऑब्जेक्ट दिया गया है
तो आपको मोनोट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस याद रखने होंगे, डाई ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो इसका मतलब आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस बने हुए मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो यहां हम देखते हैं ऑब्जेक्ट किस किस तरह के होते हैं। ओ इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज ए नाउन फ्रेज और ए प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट एक नाउन फ्रेज हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन हो सकता है जो कि वर्ब के एक्शन से प्रभावित होता हो। नाउ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दे आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन, कोई भी वर्क जो सब्जेक्ट कर रहा है उसका सीधा प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। ए सब्जेक्ट डज समथिंग एंड द प्रोडक्ट इज द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। सब्जेक्ट जो भी कुछ कर रहा है उसका जो रिजल्ट निकल कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसा मैरी रोट अ पोएम, मैरी ने कविता लिखी, तो मैरी यहां पर सब्जेक्ट है और पोएम यहां पर, क्योंकि रोट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और मोनोट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आ रही है बात यहां पर, तो इसलिए पोएम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बीच में एक शामिल होता है किसी एक्शन को रिसीव करने के लिए। मैरी सेंट मी एन ईमेल, यहां पर जो एम ई वर्ड है, जो मी वर्ड है, ये सेंट के बाद आ रहा है और ईमेल से पहले आ रहा है। इसका मतलब इस वर्ड को अगर हम यहां पर देखें तो ये वर्ड हमारे लिए क्या बन जाता है, ये वर्ड हमारे लिए बन जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द प्रोनाउन मी कम्स आफ्टर द वर्ब सेंट, सेंट यहां पर कौन सी वर्ब हो गई है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, यस, आफ्टर द वर्ब सेंट एंड बिफोर द नाउन ईमेल, और ये ईमेल जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले आ रही है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आपको वही मिलेंगे जहां द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज गोज बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैटर्न जो होगा वो ऐसा होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में डाई ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नीचे एग्जाम्पल दे रखा है उनको हम समझेंगे। आपने अभी पिछला जो टॉपिक पढ़ा था या वीडियोस में जो देखा था, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, वो था वॉइस। तो उस समय भी मैंने आपसे बात की थी डियर स्टूडेंट्स कि आप पैसिव उन्हीं सेंटेंसेस का कर सकते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट मिलता हो। जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी इन ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसलिए पैसिव वॉइस को बनाने के लिए एक वाक्य में, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है, कंपलसरी है। तो ऑब्जेक्ट्स कैन फंक्शन, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं यहां पर, ऑब्जेक्ट्स कैन फंक्शन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ए नाउन दैट सर्व्स एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव बिकम्स अ सब्जेक्ट व्हेन द सेंटेंस इज रिटन इन द पैसिव। बहुत छोटी सी बात यहां पर लिखी हुई है कि एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो पैसिव सेंटेंस में नया सब्जेक्ट बन जाता है। जैसा यहां पर दिया गया है, बॉब परचेज्ड अ न्यू ग्रिल, उसने एक नई चीज खरीदी। मैं सेंटेंस को थोड़ा सा आपके लिए इजी बना देता हूं, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को हटा देता हूं, इसको हम हाउस कर देते हैं। ये नाम क्योंकि रिपीट हो रहा है, इसको मैं नया एक वर्ड, इंडियन नेम यहां पर मैं देता हूं आपके लिए, राकेश। राकेश परचेज्ड अ न्यू हाउस, तो इसको हम यहां पर कर देंगे अ न्यू हाउस। दिस इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट। जो भी इसके साथ एडजेक्टिव लगे होते हैं आप ध्यान रखिएगा वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के रूप में शामिल होगा। सिर्फ हाउस नहीं, अ न्यू हाउस पूरे को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे और उस पूरे को हम यहां पर अगर हम इसको बोल्ड करें
तो आपके सामने दिख जाएगा, ये पूरा का पूरा भी एक सब्जेक्ट के रूप में बन चुका है। और मैं इसको सेंटेंस को क्योंकि इजी कर रहा हूं मैं आपके लिए समझने के लिए, तो मैंने बना दिया है, अ न्यू हाउस वॉज परचेज बाय नन अदर देन राकेश। दैट्स राइट। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो ये पैसिवाइजेशन कहलाता है। इसका मतलब ए न्यू हाउस को मैंने यहां सब्जेक्ट बना दिया है, राकेश को मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट बना दिया है, और इस प्रकार एक्टिव पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट के बिना नहीं बनते, यह हमने देख लिया है। एक बहुत अच्छी टिप यहां पर दी हुई है कि अगर आप ये नहीं पहचान पाए कि दिया हुआ वर्ड ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो आप सिंपली आप उसे एक्टिव से पैसिव बनाकर देख लीजिए। अगर आप इसको बना पाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको पैसिव नहीं बना पाते तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा ही इज टीचिंग, लेकिन इसको अगर मैं पैसिव बनाऊं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ही इज टीचिंग अपने आप में सिर्फ वर्ब पर ही सीमित हो गया है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए टीचिंग वर्ड यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यदि मैं कहता हूं ही इज टीचिंग इंग्लिश, तो वो क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है। इसलिए इज और टीचिंग दोनों वर्ब में आएंगे, यानी ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब मिलकर कंप्लीट वर्ब बनेगा, जिसको हम इंग्लिश में प्रेडिकेटर बोलते हैं। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो है इंग्लिश, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा इंग्लिश इज बींग टॉट बाय हिम। ये इसका पैसिव बन जाता है। नाउ जो लास्ट वर्ड हम आपके सामने ला रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक बहुत जरूरी टर्म है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसी टर्म जो कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के काम आती हो। ए कॉम्प्लीमेंट इज द टर्म यूज्ड फॉर ए वर्ड और वर्ड्स दैट आर नीडेड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है, पूरक की जरूरत होती है। जैसा यहां दिया हुआ है, इफ यू कांट रिमूव इट फ्रॉम योर सेंटेंस इट इज कॉम्प्लीमेंट। अगर उसको हटाने से सेंटेंस अधूरा रहता हो तो वो अपने आप में कॉम्प्लीमेंट है। जैसा अभी मैंने एक एग्जाम्पल बोला था ही इज टीचिंग इंग्लिश, मैं अगर उसमें से इंग्लिश वर्ड को हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेंटेंस सिर्फ इतना आ जाएगा ही इज टीचिंग, सेंटेंस अपने आप में तब भी पूरा रहेगा। लेकिन जैसा कि यह हाईलाइटेड एग्जाम्पल है अमित इज ए डॉक्टर, तो इस अमित वर्ड को अगर मैं यहां पर देखता हूं तो वो क्या है? डॉक्टर है। अगर मैं यहां पर इस डॉक्टर को रिमूव कर देता हूं लाइक दिस, अब आपके सामने सब शब्द रह गया है अमित इज, तो अमित क्या है वो क्लियर नहीं है। इसलिए अपने आप में ये एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ए डॉक्टर यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अमित के बारे में बता रहा है। इसी प्रकार एक वर्ड आता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, आई हैव अपॉइंटेड अमित द कैप्टन ऑफ अवर फुटबॉल टीम। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव अपॉइंटेड वर्ब हो गया, अमित यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, और उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया द कैप्टन। देखिए आई इज सब्जेक्ट, हैव अपॉइंटेड इज वर्ब, अमित इज ऑब्जेक्ट, द कैप्टन इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर फुटबॉल टीम। दिस इज रिमेनिंग पार्ट, सो वी कैन से दिस इज एडवर्बियल। हम पूरे सेंटेंस को जो हम देखेंगे तो इट इज एस वी ओ सी ए। दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न सेंटेंस पैटर्न्स। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं यहां पर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, लेकिन इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए मुझे यहीं रोकना होगा। रीजन बीइंग कि ज्यादा लंबी वीडियोज जो है अपलोडिंग में यहां पर दिक्कत आती है, और छोटी वीडियोस को आप टुकड़ों में पढ़ सकते हैं, जल्दी समझ सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, इनकी बात मैं अपने अगले वीडियोस में करूंगा। तब तक के लिए मैं फिर से एक बार विराम लेता हूं। आई नीड योर परमिशन सो दैट आई कैन मेक न्यू वीडियो, और अगले वीडियो में मैं जो कुछ लेकर आऊंगा उसको आप क्रम से समझें, लगातार उनको सुने, लगातार उनको समझें, और जैसा कि मैंने पहले वीडियोज में भी एम्फेसिस किया था, आप इनकी
साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको किसी पैटर्न को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि आप कहाँ समझने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। मैं दोबारा से आपको उस चीज़ को समझाने का प्रयत्न करूँगा और मैं तब तक उसको क्लियर करता रहूँगा जब तक आप ये ना कह दें कि यस सर इट इज़ वेरी क्लियर टू मी। सो विद दिस पॉजिटिविटी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं दोबारा आपसे मिलूँगा।